नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करके बड़ी और अहम खबरों के साथ। चार धाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। सरकार चार धाम यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर कार्य कर रही है। मगर विपक्ष सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य को लेकर सरकार को घेरने का कार्य भी किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जोशीमठ आपदा के बाद शुरू हो रही चार धाम यात्रा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि चार धाम यात्रा को लेकर सरकार की व्यवस्था से लोग डरे हुए हैं। जिस प्रकार से जोशीमठ में आपदा आई और इससे हमारे मन में भी संशय है कि क्या सरकार चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से करा पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि चार धाम यात्रा राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। आपको सरकार की कुव्यवस्था से डरे हुए हैं। जिस प्रकार की स्थिति जोशीमठ में है, उससे हम लोगों के मन में भी आशंका है कि सरकार ठीक से यात्रा का संचालन कर नहीं पाएगी, नहीं कर पाएगी। फिर भी क्योंकि चार धाम यात्रा राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी आवश्यक है और हमारी शान भी है, हमारा कर्तव्य भी है राज्य के रूप में। हम चाहते हैं चार धाम यात्रा सफल हो और कांग्रेस इस मामले में हर तरीके का सकारात्मक सहयोग भी देगी और सुझाव खाली बातों में है। पिछली बार भी खाली बातें की थी इन्होंने। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की है, जिसके बाद भाजपा मंडल मसूरी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। भाजपा मंडल मसूरी के त्रिपुरा में भाजपा की जीत के उपलक्ष्य में मसूरी भगत सिंह चौक पर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों के साथ आतिशबाजी कर ही मिष्ठान वितरित किया गया है। और मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद भी नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का ग्राफ घटा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा के साथ साथ दूसरे राज्य में भी सरकार बनाने जा रही है। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारत छोड़ो यात्रा नॉर्थ ईस्ट पर भी नॉर्थ ईस्ट में भी कोई असर नहीं पड़ा। देखिए, आज मसूरी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी की तीन राज्यों में जो शानदार जीत रही है, उस पर जो है यहाँ पर मसूरी भाजपा मंडल द्वारा सभी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने जो है शुभकामनाएं जो है केंद्र सरकार की नीतियों पर माननीय प्रधानमंत्री को प्रेषित की गई है। निश्चित ही आप मानिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो पहले वायलेंस के लिए, किडनैपिंग के लिए राहुल गांधी ने पूरे भारत की परिक्रमा करने के बाद भी नॉर्थ ईस्ट में उनका ग्राफ लगातार गिरा है। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बना है। दो राज्य में हम सरकार बना रहे हैं, तीसरे राज्य में अपनी सहयोगी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। ये बहुत हर्ष की बात है और मुझे लगता है कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार इस चीज में विश्वास रखती है, काम किया है, काम करेंगे। तो उनके काम की जनता ने सराहना की है और इसीलिए बहुमत से हम जीत कर आए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी के आदेश अनुसार नगर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार को लेकर निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि इस तरीके के नशे कारोबारियों पर पैनी नजर रखते हुए इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और इसी क्रम में ही पुलिस ने टीम बनाकर नशे के विरुद्ध चलाए अभियान के तहत ही प्रतापपुर चौकी प्रभारी कपिल कम्बोज के नेतृत्व में हेमपुर रोड सैनिक कॉलोनी पुलिया के पास एक बाइक सवार को रोका गया, जो पुलिस को देख कर भागने की फिराक था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को NDPS एक्ट के तहत ही न्यायालय के समक्ष पेश किया है और जहां से उसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। नशे के विरुद्ध जनपद में लगातार अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जो भी नशे के ट्रांसपोर्टेशन में या तस्करी में लगे हुए हैं उनके विरुद्ध हमारी टीम सक्रिय है। इसमें ये सतविंदर सिंह के बारे में सूचना मिल रही थी कि यह सक्रिय है नशे के कारोबार में। इसी संबंध में कल जो प्रतापपुर चौकी प्रभारी को सूचना मिली थी और जब इन्होंने इसको रोक करके इसकी तलाशी करवाई तो इसके पास 900 ग्राम अफीम मिली है। इनके ऊपर NDPS की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके आपराधिक इतिहास की हम जानकारी कर रहे हैं, आज इसे माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। अभी क्या बाहर से ला करके इस खेप को जो है यहाँ उत्तराखंड में
इससे पूछताछ के क्रम में हमें काफी लाभदायक जानकारी मिली है और ये जहां से ले आता था और जहां पे ये देने जाता था उनके विरुद्ध भी हमारे द्वारा इसमें एक्शन लिया जाएगा। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के रायपुर में NH-73 पर एक पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर दूसरा पेट्रोल पंप पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस पेट्रोल पंप पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नजर नहीं गई और पास में ही मौजूद पेट्रोल पंप के मैनेजर धर्मवीर ने इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि उनके बराबर में बनने वाला पेट्रोल पंप पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि बाय लॉज के अनुरूप में कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा पेट्रोल पंप बनाया जाना चाहिए, जबकि यह पेट्रोल पंप मात्र 175 मीटर की दूरी पर ही तैयार किया गया है, जो कि नियमली अनुसार गलत है और लाख शिकायतों के बावजूद कोई भी विकास प्राधिकरण या प्रशासन का अधिकारी इसमें कोई दिलचस्पी लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पेट्रोल पंप को लेकर जो मानक भारत सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हैं उन मानकों को ताक पर रखकर स्थानीय कुछ विभाग हैं जो बिल्कुल आंख मूंद कर बैठे हैं। ये इस प्रकार का भ्रष्टाचार है कि आज ये कुछ गलत काम उस पेट्रोल पंप से कराएंगे और कल को उनको नोटिस देकर उनको वसूली करने का काम करेंगे। मैं HRDA और जो हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं उससे संबंधित विभाग से ये मीडिया इसलिए बुलाई गई है, हमारा जो iFuels का पंप है इसके बिल्कुल जस्ट 175 मीटर के थोड़ा आगे चलने पे ही एक नया रिलायंस का पंप लगने रहा है। ये पंप किसी भी मानक को पूरा नहीं कर रहा है। जैसा कि बायोलॉज के अनुसार ये होता है कि अगर एक पंप कहीं पर लगा हुआ है तो उसके 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरे पंप को अनुमति नहीं मिलेगी लगाने के लिए। खबर जसपुर से है, जहां जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर महंगाई को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है और जसपुर विधायक बोले हैं कि किसानों को सरकार से बहुत उम्मीदें थी और गन्ने का मूल्य महंगाई के हिसाब से मिलेगा और मंत्री जी भी किसानों को गन्ने का दाम बढ़ाने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन मूल्य अयावत 345 रुपए और 355 रुपए प्रति क्विंटल एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया, जबकि खाद का मूल्य, ट्रैक्टर का मूल्य, डीजल पेट्रोल का मूल्य और कीटनाशक या फिर रसोई गैस सभी का मूल्य बढ़ाया गया है। विधायक ने कहा कि पिछले वर्ष ही मार्च में 929 रुपए का गैस का सिलेंडर था और जिसे बढ़ाकर 1123 रुपए कर दिया गया और वहीं पिछले साल ही सोनालिका ट्रैक्टर 6,80,000 का था जिसे बढ़ाकर 7,10,000 कर दिया गया। बस अगर दाम नहीं बढ़े हैं तो किसानों की फसल के नहीं बढ़ पाए हैं और किसानों की आय दोगुनी की जाएगी तो क्या व्यापारियों के सामान के रेट बढ़ाकर सरकार किसान की आय दोगुनी कर रही है और सरकार उद्योगपतियों के लाभ पहुंचा रही है और सरकार किसान को गुमराह करने का भी काम कर रही है। किसानों को सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि गन्ने का रेट महंगाई के हिसाब से मिलेगा और माननीय मंत्री जी भी आश्वासन दे गए थे जिस दिन शुगर फैक्ट्री का पेराई सत्र का उद्घाटन था कि आप चिंता न करें, सम्मानजनक दाम पड़ेगा। लेकिन अखबारों के माध्यम से पता चला कि रेट यथावत 345 और 355 रुपये रहेगा, एक रुपया भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, जबकि एक वर्ष में खाद के रेट, कीटनाशक के रेट, ट्रैक्टर के रेट, डीजल पेट्रोल के रेट, रसोई गैस के रेट, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके रेट ना बढ़े। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष मार्च में 929 रुपए का सिलेंडर था जो 1123 रुपए का सिलेंडर आज है, लगभग 194 रुपए कितने रुपए रेट बढ़ गया। इसी तरह जो सोनाली का ट्रैक्टर था वो 6,80,000 का था, आज 7,10,000 का ट्रैक्टर है। इसी तरह NPK इकट्ठा आता था जो बुआई में काम आता है वो 1250 का था जो आज 1470 का है। तो बिजली के रेट बढ़ गए, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके रेट ना बढ़े। एक दाम नहीं बढ़े तो किसान की उपज के दाम नहीं बढ़े। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है जब चुनाव आते हैं कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि व्यापारियों के सामान के रेट बढ़ाकर क्या किसान की आय दुगनी होगी? घरेलू और
पर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने को कांग्रेस फिर सड़कों पर उतर गई है। ऋषिकेश में रेलवे रोड मौजूद कांग्रेस भवन के बाहर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है और मौके पर सरकार का पुतला भी फूंककर रोष प्रकट किया है। और कांग्रेसियों ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार गरीबों का लगातार महंगाई बढ़ाकर जीना मुहाल कर रही है और यदि सरकार ने घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़े हुए दाम वापस नहीं लिए तो कांग्रेसी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। नगर कांग्रेस अध्यक्ष राकेश मियां ने कहा है कि सरकार एक के बाद एक जन विरोधी निर्णय ले रही है, जिससे गरीब और मध्य वर्गीय लोग परेशान हो गए हैं। 450 में ताला बजा दी, आज तो 1100-1200 के आसपास हो गए। तो मैं भाजपा सरकार, मोदी सरकार से कहूंगा कि दाम वापस ले, जनता को ठगना बंद करें, महंगाई कम करें। खबर बहादुराबाद से है, जहां ब्लॉक बहादुराबाद के सभागार में नव निर्वाचित उप ग्राम प्रधानों को खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है और इस अवसर पर ही खंड विकास से चुने गए 60 उप ग्राम प्रधान उपस्थित रहे, जबकि खंड विकास में कुल 80 उप ग्राम प्रधान है। विकास खंड अधिकारी ने बताया है कि जो चुने हुए 19 उप ग्राम प्रधान उपस्थित नहीं हुए हैं, उन्हें वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलाई जाएगी। खंड विकास अधिकारी ने उपस्थित उप ग्राम प्रधानों से कहा कि वे अपनी ग्राम पंचायतों में अपने ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों की समस्याओं के लिए जुट जाएं और किसी समस्या के लिए वे खुद खंड विकास कार्यालय में उपस्थित होकर उनका समाधान निकाल सकते हैं। आज दिनांक 3 मार्च को यहां पर विकासखंड सभागार बहादुराबाद में हमने सभी 80 ग्राम पंचायतों के लिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें सभी जो हमारे नवनिर्वाचित उप प्रधान थे उनको शपथ ग्रहण समारोह हुआ और सभी को अपने जो कर्तव्य हैं उप प्रधान के रूप में उसके बारे में संक्षेप उनको विवरण बताया गया कि वो प्रधान जो हमारे पूर्व में चुने गए हैं उनका सहयोग भी करेंगे और जो अपने क्षेत्र में, जो अपने ग्राम पंचायत में जो भी समस्याएं उनको आ रही हैं वो अपनी ग्राम पंचायत के माध्यम से और सीधा विकासखंड में भी आकर अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, जिससे कि गांव का विकास हो। कितने ग्राम आज टोटल हमारे 80 ग्राम पंचायतों में से अभी 60 ग्राम उप प्रधानों ने शपथ ली, बाकी जो 20 अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनको हम इंडिविजुअल बेसिस पर शपथ ग्रहण समारोह में अलग से करवा के उनकी शपथ दिलवाएंगे। था कोई भाद्रावाद में केस नहीं है कि कोई ग्राम पंचायत छूट गई, तो सभी में हमारा चुनाव हुआ था और सभी में हमारे प्रतिनिधि चुने गए थे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। लिबर हेडी सहकारी गन्ना विकास समिति मंगलौर के कार्यालय परिसर में तृतीय वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक का आयोजन किया गया और समिति द्वारा साल 2023 और 24 और 2024 और 25 के लिए तैयार किए गए समिति के प्रस्तावित कार्यकलापों के अनुमोदन और समिति का नया भवन बनवाए जाने और इकबालपुर सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड रुड़की के परिसंपत्तियों का बंटवारा कराए जाने आदि विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। देखिए, हर समिति की, हर सहकारी समिति की, चाहे वो गन्ना समिति हो या कोई भी समिति हो, उसका आय व्यय का जो ब्यौरा है वो प्रतिवर्ष हमारे जो सम्मानित प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जो आते हैं, उनको देना होता है। लेकिन दुर्भाग्य समिति का ये रहा कि इसकी बैलेंस शीट नहीं बन सकी थी। पिछले वर्ष हमने AGM कराई थी, 2011 से 2015 तक की बैलेंस शीट बनाई थी। लिब्बा रेड्डी सहकारी गन्ना विकास समिति की जो आम सभा की बैठक थी, मैं इसकी चेयरमैन बहन रेणु जी को और उपाध्यक्ष सरदे माता जी को और जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं उनको और भाई सुशील जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने इस साल का सारा आय व्यय का बेरा जो हमारे क्षेत्र के शांतिपुरी नंबर 1 में ही देर रात कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में पिता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना से परिवार में कोहराम मचा है। शांतिपुरी नंबर 1 में ही पूर्व सैनिक दीवान गिरी अपने परिवार के साथ बीते 26 सालों से रहते थे। उनके 3 पुत्रियां 2 बेटे थे और जिसमें उनका पुत्र नंबर का ही दूसरे नंबर का, जिसने भजमान गिरी उम्र 35 वर्ष नशे का आदि था और इसके साथ ही बता दें आपको उसने अपने पिता का कत्ल कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं उधम सिंह नगर से खबर, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को ही
मौत के घाट उतार दिया है। भजमन अक्सर शराब पीकर घर से झगड़ा पहले भी करता रहता था और नशे में वो अपनी पत्नी को भी मारता था। बृहस्पतिवार रात को भी वो शराब पीकर घर आया और घर में पैसे लेकर अपनी माँ से झगड़ा करने लगा और उस दौरान ही छोटा भाई चंदन गिरी अपने बड़े भाई को समझाने लगा। उसी बीच ही अपने छोटे भाई से चाकू से मारने की भी धमकी देने लगा। आवाज सुनकर पिता अपने कमरे से बाहर आए तो इस दौरान ही बीच बचाव के लिए जब पिता पूर्व सैनिक सूबेदार दीवान गिरी आए तो भजमन ने जो चाकू भाई के ऊपर ताना था उसी चाकू से अपने ही पिता के छाती पर हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। उत्तराखंड सरकार द्वारा ही जोर शोर से चार धाम यात्रा की तैयारी की जा रही है। यात्रा के लिए इस बार भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है और हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने सरकार के रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का विरोध किया है और पर्यटन अधिकारियों को ज्ञापन सौंप राज्य के मुख्यमंत्री से चार धाम यात्रा में यात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता को खत्म करने की मांग की है। ट्रैवल कारोबारियों ने आरोप लगाया है कि एक तरफ तो सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रचार कर रही है और दूसरी तरफ चार धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या को सीमित कर रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यात्रियों की संख्या सीमित कर देने से ही चार धाम यात्रा से जुड़े होटल ट्रैवल और अन्य तमाम व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा, इसलिए वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि चार धाम यात्रा में यात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता को खत्म किया जाए, नहीं तो उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कर्ज में डूबी कंपनी सहारा इंडिया को हरिद्वार में एक और बड़ा झटका लगा है। शासन के आदेश पर ही हरिद्वार जिला प्रशासन ने सहारा कंपनी की करीब 450 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है और बहादुराबाद क्षेत्र में ही नेशनल हाईवे पर मौजूद जमीन पर आवासीय कॉलोनी विकसित करने की भी तैयारी चल रही थी और इस जमीन की कीमत 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। सहारा के निवेशकों को भुगतान न होने पर निवेशकों ने ही शासन से जमीन के संबंध में शिकायत की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने राजस्व विभाग और एसडीएम को जमीन की खरीद और बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने बताया है कि शासन से आदेश मिलने के बाद हरिद्वार में सहारा की जमीन खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है। देखिए, कुछ लोगों के द्वारा इसमें कंप्लेंट की गई थी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कि सहारा समूह में जो उनके द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो कंपनी के द्वारा प्रॉपर रिफंड नहीं किया जा रहा है। तो उसी क्रम में शासन को जो इंक्वायरी वहाँ से पुटअप हुई थी तो शासन के द्वारा उसमें जो सहारा की यहाँ हरिद्वार में जो लैंड है उसको अग्रिम आदेशों तक क्रय विक्रय पर रोक लगाने के लिए डायरेक्शन दिए गए थे, जिसके क्रम में डीएम साहब के द्वारा सब रजिस्ट्रार और एसडीएम को डायरेक्शन दिए गए हैं कि उक्त जो लैंड है, आई थिंक अराउंड 37 हेक्टेयर लैंड है, अराउंड 500 के आसपास बीघा जमीन है, कि उसको अग्रिम आदेशों तक उसमें क्रय विक्रय ना किया जाए। तो उसी क्रम में जो ऑर्डर है उसको फॉलो करवाया जाएगा जब तक कि कोई और आदेश नहीं आता है। नहीं देखिए, बाकी तो सारा इंक्वायरी का मैटर है, क्योंकि अभी शासन के आदेशों के क्रम में डीएम साहब के द्वारा उसमें रोक लगाई गई है तो उसको इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है। और आई थिंक सारा के नाम अराउंड 555 बीघा के आसपास वो लैंड है, तो उसमें से आई थिंक ऑलरेडी 25 से 30 बीघा लैंड ऑलरेडी सेल आउट हो चुका है और बाकी जो लैंड है वो जब तक उसमें रोक रहेंगे तब तक सेल आउट नहीं कर पाएंगे और बाकी मौके में उसको चेक करवाया जाएगा। अगर कॉलोनी तैयारी डेवलप की जा रही है तो एचआरडी के माध्यम से उसको चेक करवाया जाएगा ताकि जो लैंड है उसका नेचर भी बिल्कुल बना रहे और जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता है। दोनों चीज़ें हैं, एक तो लैंड को सेल आउट नहीं किया जाएगा और मौके में इसको चेक करवाया जाएगा क्या नेचर है लैंड का और अगर विदाउट परमिशन वहाँ डेवलप किया जा रहा है। अवैध खनन में लिप्त भंडारणों में ही अनियमितता पाए जाने पर अगलक्सर के ही 6 स्कॉट सीज किए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें बताया जा रहा है जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा जनपद हरिद्वार में अवैध खनन और अवैध परिवहन और अवैध भंडारणों में आवश्यक कार्रवाई के निर्देशों के क्रम में जिला खनन अधिकारी हरिद्वार और तहसीलदार लक्सर के नेतृत्व में ही तहसील लक्सर के ग्राम रायसी में मशीनों द्वारा अवैध खनन की शिकायत के क्रम में ही औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें राजस्व और खनन विभाग की टीम द्वारा कई स्थानों पर दबिश दी गई है लेकिन कोई मशीन पकड़ में अभी नहीं आई है। तो इलीगल में लिप्त हैं, नदी से लोग चोरी करके माल इनके पास पहुंचा रहे थे, जिसके कारण यहाँ संज्ञान लिया हमने द्वारा, जितने भी स्टॉक है सबकी पेमेंट कर ली है, जिसमें भी अनियमितता पाई गई है उसको आज ही सीज करके उसकी आईडी आज बंद करी।
यहाँ से कल से कोई काम नहीं हो पाएगा। कितनी अभी तक हमने 6 देखे हैं, इसके आगे कोई और देखें उसको भी चेक करेंगे। अच्छा, लगातार हम लोग तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमें शिकायतें मिल रही है। अभी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स निरीक्षण कर रहे हैं और सर्वे के आधार पर नमूने एकत्रित कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 33 नमूने भर दिए हैं और भर के लैब को भेजा गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा चमोली के नव नियुक्त मंडल अध्यक्षों के स्वागत और सम्मान कर प्रयाग नगर पालिका के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया और कार्यक्रम में ही मुख्य वक्ता के रूप में ही युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर जोशी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय और लोकसभा चुनावों को लेकर हम सभी को तैयार रहना चाहिए। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर ही तैयारियां शुरू कर ली हैं और इसके लिए अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष के ही सम्मान में युवा मोर्चा ने कर्णप्रयाग में नगर पालिका के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में ही युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम सभी को ही ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और चमोली जनपद में भाजपा को मजबूत करना है। सबसे जो स्ट्रॉन्ग विंग है वो युवा मोर्चा है और मजबूती के साथ कैसे प्रत्येक मंडल के बूथ स्तर तक युवा मोर्चा काम करने वाला है उसको लेकर के ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी और बहुत सारी जो नीतियाँ जो उत्तराखंड सरकार की भारत सरकार की जो चल रही हैं, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएँ चल रही हैं उसको धरातल तक पहुँचाने का काम युवा मोर्चा जैसा कि बदस्तूर जो कार्यक्रम जारी है उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अभी जैसे नकल विरोधी कानून है, भर्ती घोटाला, तमाम सारी चीज़ें हुई हैं तो एक तरीके से जो भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन हम लोग जनमानस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, नवयुवकों की तरफ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तमाम सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो उनके खिलाफ़ भी बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शंस हुए हैं। होली के पर्व को लेकर थाना रायवाला पुलिस और कोतवाली डाईवाला पुलिस ने ही जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक कर होली के त्यौहार को आपसी भाईचारा और आपसी सौहार्दपूर्ण रूप से मनाने की अपील की है। इस अवसर पर ही उन्होंने अवैध शराब पीने, पिलाने और बेचने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। डोईवाला के कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह और रायवाला के थाना अध्यक्ष कुलदीप पंत ने समस्त क्षेत्रवासियों से आपसी भाईचारा और इसके साथ ही रंगों के पवित्र त्यौहार होलिका दहन और होली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए अपील की है। होली के पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से आज थाना परिसर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसमें तमाम जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग थे। इनको आम जनता को पुलिस के द्वारा इनके माध्यम से मैसेज दिया गया है कि शांतिपूर्वक त्यौहार को संपन्न करें और अगर कोई किसी प्रकार का हुदरंग करता है या कोई अवांछनीय गतिविधि करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जैसा कि देखा जा रहा है, दिन प्रतिदिन साइबर ठगी के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और ये मामले हर बार नए रूप में सामने आ रहे हैं। कभी वो OLX के फ्रॉड के रूप में है तो कभी किसी अन्य माध्यम से कोई ऐप डाउनलोड करा करके ठगी की जा रही है। इस संबंध में लोगों को जागरूक किया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति को के कहे में आकर के न तो उससे कोई चीज़ अपनी शेयर करें और न ही कोई ऐप को डाउनलोड करें, और अगर किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता भी है तो 1930 जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके तुरंत सूचित करें। फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।